हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिंगापुर का वीज़ा कैसे एक्सटेंड किया जाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंगापुर का वीज़ा लेना बहुत ही सिंपल है एंड उस पर एक्सटेंशन लेना उससे भी ईजी। तो जैसे अगर आप आ रहे हो 30 दिन के लिए और आपका मन कर गया है यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकने का, तो आपको खाली ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फर्स्ट सिनेरियो है, अगर मेरा वीज़ा लगा है खाली 30 दिन का शॉर्ट टर्म वीज़ा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेट्स से दिसंबर का मेरा वीज़ा है, फ्रॉम 1st till 31st of December, तो मैं 7 से 14 दिन पहले एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हूँ इस वेबसाइट पे जाके। और ये डिटेल्स है बहुत ही सिंपल जो आपको फिल करनी होंगी। वंस ये एक्सटेंशन मैं भर दूंगी एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट वेदर दे अप्रूव माई स्टे इन सिंगापुर और नॉट। वैसे एक्सटेंशन मिल जाता है ईजिली। सो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, DE नंबर जो आपको बेसिकली असाइन होता है SG अराइवल कार्ड फिल करने के बाद, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, उसमें आपको एक्सपायरी डेट वगैरह फिल करनी है, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड बस ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना है। सेकेंड सिनेरियो है, अगर मेरे पास वीज़ा है फॉर 3 months, फॉर एग्जाम्पल नवम्बर टिल जनवरी और फेब, ठीक है, तो हमें पता है कि 30 दिन के बाद हमें कंट्री एग्जिट करनी होती है अगर हमें एक्सटेंशन का पता। तो मैं नवंबर से अगर इस जगह पे रह रही हूँ, मैंने एक्सटेंशन डाल दिया एंड वो मेरा अप्रूव भी हो गया, बट उसके बाद मुझे एक्सटेंशन दोबारा नहीं मिल सकता। उसके लिए हम एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, मतलब छोटी सी है, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड और नॉट। हम जा सकते हैं मलेशिया। देखो, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं वाया सिंगापुर। सो सबसे ईजीएस्ट रूट है मलेशिया का लैंड रूट, खाली 6-7 घंटे लगते हैं यहाँ से मलेशिया के। तो हम मलेशिया का वीज़ा लगा के मलेशिया घूम सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर हम मलेशिया चले गए एंड वापस हम सिंगापुर आए, तो हमें एक अराइवल कार्ड, SG अराइवल कार्ड दोबारा भरना पड़ेगा। उसमें हमें जो DE नंबर एलोकेट होता है वो हमारा अपडेटेड नंबर हो जाता है। एंड फ्रॉम द डे, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 को आई हूँ सिंगापुर वाया मलेशिया, 4 से लेके 30 दिन तक मुझे वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली मिल सकती है। तो वो DE नंबर जैसे अपडेट हो जाता है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट DE नंबर आप एक्सटेंशन दोबारा ले सकते हो सिंगापुर की। तो ये थोड़ा ट्रिक है, मतलब मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज आपको मेक श्योर करना है आपके पास जो वीज़ा टाइप है मल्टीपल जर्नी का हो, एल्स अगर आप मलेशिया चले गए तो वापस आपका सिंगापुर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वो सिंगल जर्नी का है। सो अगर मल्टीपल जर्नी है तभी आप अलग अलग कंट्रीज जाके वापस सिंगापुर आ सकते हो। तो या आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सिंगापुर रिलेटेड वीज़ा की, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम या तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।